भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। मध्य प्रदेश शासन के परिवहन शिक्षा मंत्री को प्रभारी मंत्री बालाघाट राव उदय प्रताप सिंह ने बालाघाट में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि डीएम राइट स्कूल शासन की ड्रीम योजना है, जिसमें परिवहन हेतु बसों की सुविधा को लेकर व्यवस्था बनाई जा रही है। परिवहन को लेकर विज्ञापन निकाल रहे हैं। पूर्व में हमने बेरोजगार युवाओं की बसों की सेवा लेने का प्रयास किया था, पर वे संभव नहीं हो सका। इसके पश्चात जिला व संभाग स्तर पर टेंडर निकालकर बस सेवा बनाने का प्रयास किया, पर अब स्कूल स्तर पर टेंडर बुलवाकर बस सेवा प्रारंभ करने के लिए व्यवस्था बनाई है। शीघ्र ही परिवहन व्यवस्था जिला स्तर पर सभी सीएम राइज स्कूलों में हो जाएगी। हम लोग सीएम राइज में हमारा जो परिवहन का सिस्टम है, हम लोगों ने लगातार विज्ञापन निकाल रहे हैं। कई जिलों में हमारा परिवहन की सेवाएं चालू हो गई हैं। आपने कहा कि बालाघाट में दिक्कत है, हम लोग परिवहन के लिए लगातार एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं, उसमें संशोधन कर रहे हैं। बीच में मैंने एक कोशिश की थी कि बेरोजगार नौजवानों की बसेस सीएम राइज स्कूल्स में लगाएं। हमने दो बार टेंडर लगाए, लेकिन उसमें बहुत उत्साहवर्धक परिणाम नहीं आए। बच्चे उसके अंदर बहुत उनने हिस्सेदारी उनकी नहीं रही, तो फिर हम लोगों ने एक आंशिक परिवर्तन किया है। पहले टेंडर हम जिले वाइज संभाग वाइज लगा रहे थे, अब हमने कहा है कि इसको टेंडर को छोटा करें, कुछ स्कूल वाइज करें अपन, जिससे कि स्थानीय स्तर पर जो बस के संचालक हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। बड़े प्लेयर्स आते हैं, फिर वो स्थानीय स्तर पर सबलेट करते हैं, और हमारी जो व्यवस्था अगर छोटी होगी तो स्थानीय स्तर पर सीधे लोग उसमें शामिल हो सकते हैं प्रक्रिया में, और ज़्यादा बेहतर वो सेवाएँ दे पाएंगे। तो हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। चूँकि अभी 8 महीने इस व्यवस्था को चलते हुए हैं जनवरी से, उसमें भी 3-4 महीने बीच में हमारे पार्लियामेंट के इलेक्शन की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था, इस कारण से चीज़ों को हम नहीं कर पाए, लेकिन इसमें अब बेहतर करेंगे। सीएम राइज स्वाभाविक रूप से 3 साल है। आप समझ सकते हो कि जब आपका चैनल चालू होता है तो डे 1 से चैनल हर जगह नहीं जाना जाता, उसको भी इस्टेब्लिशमेंट में, प्रमोशन में, लोगों तक पहुँचने में समय लगता है। ऐसे ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है बड़ा, मतलब भविष्य में सीएम राइज की सफलता हर हाल में, मतलब अपने उसको जो टारगेट है उसको पाए, ये हमारे लिए चुनौती है और इसको हमको पूरा करना है। बता दें कि प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह बालाघाट प्रवास पर आए हैं, जिन्होंने यहाँ पर स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कलेक्ट्रेट में विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने परिवहन चौकी व नाके को बंद किया है, जिसके पुनः प्रारंभ करने का कोई विचार नहीं है, बल्कि नाका और चौकी बंद कर परिवहन सेवा को पारदर्शी बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस व्यवस्था को और सख्त किया जाएगा। भारतीय न्यूज के लिए साइमा नास की रिपोर्ट। देखो, आपका प्रश्न दो है, मतलब आप चौकी बंद होना एक अलग विषय है और चौकी बंद होने के कारण अराजकता जो फैल रही है अलग विषय है। लगातार शिकायतें आ रही थी, चौकियों के कुप्रबंधन को लेकर बात आ रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के विषय जब ये उनके संज्ञान में आया तो उन्होंने हम लोगों से बात करके कहा है इसको चेक करें कैसे होगा, और जब ये तय हो गया शासन स्तर पर कि ये सही बात है कि वहाँ पर सामान्य हर्डल फ्री मूवमेंट जो होना चाहिए, बगैर रुके वाहन का जो प्रवाह है वो होना चाहिए, उसमें समस्या आ रही है, तो इसको हमें बंद करने का काम करना चाहिए। और बंद करने का काम का मतलब ये नहीं है कि हमने चोरियों के लिए मुक्त कर दिया कि आप GST का लॉस हम फेस कर लेंगे, हम जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनका वायलेशन हम छोड़ देंगे या ओवरलोडिंग हम छोड़ देंगे। चूँकि अभी हमारी जो किसको ट्रांसपेरेंट सिस्टम बने, ऑटोमोटिव मोड पर हम जा रहे हैं, तो बॉडी ऑन कैमराज हैं, हमारे मूवेबल जो वजन चेक करने वाली मशीन्स हैं, और जो संसाधन हमको तैयार करना है उसमें हमको समय लग रहा है। हमने विज्ञापन दिया हुआ है, हम वो चीज़ें खरीदेंगे, और जब हम वेल इक्विप्ड हो जाएंगे, मतलब हम पूरे संसाधन से युक्त होंगे कि हम एक पारदर्शी व्यवस्था देख सकें, हम भोपाल में बैठ के देख सकें कि हमारी चौकी नंबर इस पर क्या चल रहा है, वो हमारे स्क्रीन के ऊपर जब होगा। आप ये मानकर चलना है, इसको हम चौकी बंद करने का ये मतलब नहीं है कि हम किसी
एक परिवहन सिस्टम को अराजकता के लिए हमने छोड़ दिया है। हम किसी भी किस्म के रेवेन्यू लॉस को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी किस्म के परिवहन के नियम को जो तोड़ता है उसको हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा विभाग। और दूसरा, आपके जो उनका VLTD सिस्टम है, आपका जो सिक्योरिटी के जो मेजर्स हैं वो हैं, सारी चीज़ों का मतलब ध्यान रखेंगे। और हम चूंकि एक व्यवस्था परिवर्तित हुई है, एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था पर हम जा रहे हैं। अभी मैनुअल कोई चीज़ कर रहे थे हम, उसकी शिकायतें आ रही थी, तो उसको हम मैकेनाइज करने वाले हैं, तो स्वाभाविक रूप से समय लगता है। बाकी इसको हम सख्त करेंगे और जो हमारा जांच का जो दायरा है उसको भी हम थोड़ा सख्त करेंगे, लेकिन लोगों को परेशानी रहित हो और करप्शन फ्री हो, इस बात की चिंता विभाग करेगा। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश के चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।